इंद्रपाल जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से राम राम साहब और नए साल की मुबारक। आपको भी मुबारक और राम राम। अच्छा इंद्रपाल जी, आपके एफपीओ का नाम जानकर ये समझ में तो आ गया कि आपने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कुछ काम किया है, पर ये काम क्या है, आप इससे कैसे जुड़े, इसके बारे में विस्तार से बताइए। और मेरे साथ हमारे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र अशोक जी भी हैं, तो वो भी ये जरूर सुनना चाहेंगे आपने क्या किया है। जी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे मधुमक्खी पालक हैं जो अपने शहद को बाहर बेचने में या किसी से कंपनियों से संपर्क करने में असमर्थ थे। वो अपने शहद को यहीं पर बिचौलियों को देने के लिए मजबूर थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने आपको टीवी पर सुना जब आपने घोषणा की कि 10,000 नए एफपीओ का हम गठन करने जा रहे हैं, और उन एफपीओ के माध्यम से किस प्रकार छोटे छोटे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इस अपने शहद को इकट्ठे होकर एक एफपीओ बनाया जाए। इसी के दौरान भारत सरकार के माध्यम से नैफेड के अधिकारीगण हमारे यहाँ भरतपुर में आए और हमसे उन्होंने मुलाकात की, और उन्होंने हमें विस्तार से इस एफपीओ के बारे में समझाया कि आप लोग कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं और भारत सरकार के द्वारा आप क्या क्या मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसी से प्रेरित होकर हमने एफपीओ का गठन किया। अच्छा इंद्रपाल जी, आप लोग अपना कार्य का बंटवारा कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, क्या आप लोग की बी वैक्स के बारे में भी कोई काम हो रहा है आपके यहाँ? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पास बी बॉक्स होते हैं और हमारा जो भरतपुर एरिया है इसमें सरसों बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना किसान का कैसे फायदा हो और कृषि के साथ साथ वो दूसरा भी उत्पाद करे जिससे कि उसकी आय में कुछ बढ़ोतरी हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने बी बॉक्स यहाँ पर सरसों पर लगाते हैं और इसके यहाँ हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके बाद यहाँ जब सरसों का सीजन खत्म हो जाता है तो हमें दूसरे राज्यों में अपने बी बॉक्स लगाने पड़ते हैं जहाँ पे कि हमें लीची और बाजरा और मकई की फसलों की आवश्यकता पड़ती है। इंद्रपाल जी, आपको अब तक सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है क्या? आप अगले 5 वर्षों में एफपीओ को कहाँ तक ले जाने के लिए सोच रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें भारत सरकार द्वारा नेफेड के माध्यम से एफपीओ चलाने और ऑफिस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, और आज आपके माध्यम से हमें इक्विटी के तौर पर भी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, और हमें यहाँ नेफेड द्वारा एक कलेक्शन सेंटर, लेबोरेटरीज और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना जल्द ही की जाएगी, जिसका कि फायदा उठाते हुए हम अपने भरतपुर के शहद को उच्च गुणवत्ता युक्त बनाकर और अगले 5 साल में भारत सरकार और नेफेड के माध्यम से नेफेड के बाजार का उपयोग करते हुए हम भारतवर्ष में अपनी पहचान बनाएंगे और हमें निर्यात का अवसर भी मिलता है तो उसका फायदा उठाते हुए हम अपने मधुमक्खी पालक किसान भाइयों को उनको अच्छी रेट पर उनका शहद बाहर जाए और उनको भी प्रसन्नता हो, ऐसी आशा करते हैं। इंद्रपाल जी, आपके सामने कुछ बॉटल पड़ी है, किस चीज की पड़ी है, टेबल पर नजर आ रही है? जी सर, ये हमारा शहद है जो हम इस प्रकार इसको बेचते हैं, और हमने शुरू भी किया है लोकल मार्केट में अब बेच रहे हैं, पर जैसे ही हमें प्रोसेसिंग यूनिट और इसकी प्रोसेस यूनिट हमारे यहाँ लग जाएगी तो हम अपने शहद को प्रोसेस करा के और इन पूरे साधनों का इस्तेमाल करते हुए हम मेड इन भरतपुर शहद को पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसी आशा है हमें। देखिए राजस्थान और गुजरात, हम दो राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पानी की किल्लत रहती है, लेकिन आपने ये हनी का उद्योग किसानों को जोड़ करके जो काम शुरू किया है उसे मधु भी मिलेगा और बी वैक्स भी मिलेगा, उसकी भी बहुत बड़ी खपत होती है, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।